अलैकुम मुल्तान के गयूर अवाम एन 148 जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे इमरान खान के कैंडिडेट है और उनका इंतखाबी निशान है घोड़ा। बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, शरीफ नफ्स इमरान खान के सिपाही हैं। आपने वोट इसलिए उनको देना है कि इमरान खान मेरी और आपकी खातर और आने वाली नस्लों की खातर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान और मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा लीडर दोबारा से इस मुल्क का वजीर आजम बने, तो आपने बढ़ चढ़ के आप लोगों ने बैरिस्टर तैमूर मलिक को घोड़े के निशान के ऊपर N148 के लोगों आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन निकल के अपने फर्ज की अदायगी करनी है और आपने घोड़े के निशान के ऊपर बैरिस्टर तैमूर मलिक को इमरान खान के सिपाही को जितवाना है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वालेकुम मुल्तान के गयूर अवाम N148 जिमनी इलेक्शन होने जा रहा है। बैरिस्टर तैमूर मलिक हमारे इमरान खान के कैंडिडेट है और उनका इंतखाबी निशान है घोड़ा। बहुत ही पढ़े लिखे नौजवान हैं, शरीफ नफ्स इमरान खान के सिपाही हैं। आपने वोट इसलिए उनको देना है कि इमरान खान मेरी और आपकी खातर और आने वाली नस्लों की खातर पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इमरान खान और मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि मेरा लीडर दोबारा से इस मुल्क का वजीर आजम बने, तो आपने बढ़ चढ़ के आप लोगों ने बैरिस्टर तैमूर मलिक को घोड़े के निशान के ऊपर N148 के लोगों आप लोगों ने इलेक्शन वाले दिन निकल के अपने फर्ज की अदायगी करनी है और आपने घोड़े के निशान के ऊपर बैरिस्टर तैमूर मलिक को इमरान खान के सिपाही को जितवाना है। बहुत शुक्रिया। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।